संसदगण, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में दोपहरी धूप में आए हुए सीमावर्ती चार जिलों के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जयंती है, मैं बड़े मन से उनको प्रणाम करकर श्रद्धा सुमन देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दिनकर जी की कविताओं ने न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी, उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरण देवी मंदिर की मां पूरण देवी को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कबीरपंथी धर्मगुरु जो अभी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, सदगुरु धर्मस्वरूप जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ये भूमि बड़े बड़े लोगों का जन्मस्थली रहा है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की यह जन्मभूमि रही। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री को भी इसी पूर्णिया जिले ने दिया। हिंदी के प्रकांड विद्वान अनूपलाल मंडल, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक और राजनेता सतीनाथ भादुड़ी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, साहित्यकार जनार्दन प्रसाद द्विज, अनेक लोगों ने इस भूमि में कई क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिया है। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है। लालू जी, आप पर्याप्त तो हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के चार जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है, यहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष कर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है।